नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। ये संगीत की नगरी काशी है, बावजूद ऐसी स्थिति क्या प्रमाणित करती है? इस परिस्थिति क्या, सब कोई अपने अपने काम काज में लगा हुआ है, जो धंधा में लगा हुआ है। अभी भाग दौड़ का जिंदगी, अभी व्यस्तता हो गया है। नमस्कार, मैं मलिक बरदस, मेरे बड़े भाई नीलेश कुमार मलिक, मैं निकेश कुमार मलिक, और साथ में हमारे पखावज वादक अयोध्या से आए हुए राजीव रंजन पांडे जी। पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी है। आजकल लोग, युवा पीढ़ी जो है, वो पश्चिमी संगीत को ज़्यादा अपना रहे हैं, तो इसलिए आजकल के, मतलब जो शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का रुझान है, वो बहुत कम हो रहा है। एक हमारी संस्कृति परंपरा जो है वो लुप्त होते जा रही है। अब उसको हमें बचा के रखना है। उसको छोटा सा नाम राजीव रंजन पांडे, मैं अयोध्या जी से आया हूँ। कहीं ना कहीं इसमें आयोजक की भी दोषी है, आयोजक भी दोषी है, और लोगों को समझना होगा कि ये संगीत शास्त्रीय संगीत जननी है, वो भी बनारस में। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात कलाकार अंकित बत्रा। आइए जानते हैं आज की प्रस्तुति के बाद आपको बनारस में आना कैसा लगा। बहुत अद्भुत वातावरण रहा यहाँ पे, सब कुछ इतना सुंदर। आते ही एक अलग हवा में, एक जैसे मदहोश करने वाला एक जादू है। बत्रा जी, ये जो रियलिटी शो है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को कितना प्रभावित कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अलग अलग फील्ड है दोनों। रियलिटी शोज के माध्यम से आप शास्त्रीय संगीत में कुछ बड़े बन जाएंगे ऐसा नहीं होता। उनका एक अलग अपना रास्ता है और इस तरह का अलग अपना रास्ता है। जो सबसे पॉपुलर गीत है वो कौन है और उसकी पॉपुलरिटी कैसे हुई, आपके बारे में बताया, सोशल मीडिया के अच्छे कलाकार हैं। सबसे पहले अच्युतम केशवम भजन है हमारा, जो हमने यूट्यूब पे डाला था, वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। लगभग उसके 120 मिलियन व्यूज हैं अभी। और उसके अलावा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, शिव कैलाशों के वासी, ये सभी भजन, ओ पालन हारे। मेरा यूट्यूब चैनल है डेट विद डिवाइन, ईश्वर के साथ एक डेट, डेट विद डिवाइन के नाम से। वैसे आप अंकित बत्रा अगर करेंगे सर्च, वो भी आएगा। इस नाम के पीछे का थीम क्या है? देखिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट समय निकालते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ हम डेट पे जाते हैं अक्सर, तो उनके लिए एक समय निकालते हैं अपने बिजनेस शेड्यूल में से। बट ईश्वर को हम बिल्कुल चलते फिरते बस नमस्कार करके निकल जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करते हैं और जिनसे प्यार की अपेक्षा भी करते हैं, उनके लिए थोड़ा समय अपने साथ निकालें, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि थोड़ी देर बैठ के अगर भजन करें, उन्हें याद करें, ईश्वर के साथ एक डेट करें। Thank you.
मन मस्त भया नीरज कबीर की काशी में गंगा तट पर प्रस्तुति करके कैसा लगा? शब्द नहीं है हमारे पास, क्योंकि यू नो एक तो दो साल से पैंडेमिक चल रहा था, सब लोग अपने घर पे थे और खुला तो हमें इस जगह आने का मौका मिला, तो बहुत ही खूबसूरत मजा आया और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। आपके जीवन का चरम सत्य क्या है? सत्य कुछ नहीं है, सत्य जो है मालिक है ऊपर, जिसको हर तरह से लोग पूछते हैं। और मेरे लिए पहला सिंह टिपानिया जी एक सत्य हैं जिनको मैं देखता हूँ कबीर की नज़र से, और मेरे को लगता है अगर कबीर है तो वो पहला सिंह टिपानिया जी हैं। जिस तरीके से वो जिस तरीके से वो कबीर को पहुँचाते हैं लोगों तक, तो ये एक सत्य है कि हम जी रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा सत्य है। और हमको इतने लोग मिले हैं और यूपी टूरिज्म का, जिन्होंने हमें सौभाग्य दिया गंगा के तट पर यहाँ परफॉर्म करने का, और जनता की, वाराणसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने इतना इंतज़ार किया। कबीर तो सब लोग के पास पहले से, जब हम जन्म हुए तब हमारे पास कबीर रहते थे, लेकिन हम पहचाना वो बात में हम पहचान पाए। इस वक्त हमारे साथ हैं पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव। आइए जानते हैं गंगा महोत्सव की सांगीतिक निशा में दर्शकों की उपस्थिति इतनी कम क्यों है। स्टेज बहुत बड़ा बना हुआ है, इसलिए थोड़ी संख्या आपको कम लग रही होगी। दूसरा देख रहे हैं कि बलून फेस्टिवल हमारा उस साइड हो रहा है, बहुत सारे दर्शक उधर चले गए हैं, और ऐसी कोई विशेष संख्या कम नहीं है। और आज स्नान भी कल होने वाला, तो लोग उसमें भी व्यस्त हैं। बाकी कल जो हमारा मेन कार्यक्रम देव दीपावली का है, उस पर स्थानीय कलाकार के साथ साथ, स्थानीय भी अच्छे बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ साथ अंकित तिवारी जी होंगे जो कि आज के टू फेम और एक बड़े कलाकार हैं। और इसके अलावा इस कार्यक्रम को माननीय पर्यटन मंत्री जी ने एक दिन बढ़ाया है, जो देव दीपावली समितियाँ हैं उनका सम्मान, उनके सम्मान के लिए सर बता चुके हैं इसको स्वयं। और इसके अलावा उस दिन भी स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। आप एक बार देख रहे हैं कि देव दीपावली और इस पूरे कार्यक्रम में पर्यटन विभाग दिए तेल बाती का वितरण कर रहा है दोनों ओर, और सीडो साहब उसको जलवा रहे हैं उस साइड के। इसके अलावा चेत सिंह किला घाट पे एक लेजर शो आयोजित किया जा रहा है, और उसके बाद आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। तो आप अगर चलेंगे तो राजघाट के कार्यक्रम से एक दीप प्रज्वलन होगा, बाकी सभी लोग करेंगे दीप प्रज्वलन। उस दीप प्रज्वलन में ही जैसा कि लोग यहाँ नौका विहार का आनंद लेते हैं, आपको नई चीज बलून दिखेंगे उस साइड, 11 बलून दिखेंगे। तो कुछ लोग जो बलून में जिनके पास टिकट है वो बलून से भी देव दीपावली देखेंगे। उसके बाद लोग जयसिंह किला घाट पर जैसा गत वर्ष हुआ था लेजर शो देखेंगे, उसके बाद आतिशबाजी के साथ एक देव दीपावली देख सकते हैं। कीर्तिमान जी, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह बैन किया हुआ है, तो जो आतिशबाजी होगी उसमें ग्रीन पटाखे उपयोग होंगे या कोई और पटाखे, इसमें क्या तैयारी की है? इसको सर हमारे पैटर्न चले जो टेंडर, इसको कोल्ड फायर कहते हैं। कोल्ड फायर तरह से ग्रीन पटाखे होते हैं, इनमें कोई भी ऐसा तत्व तो नहीं होता जो कि पोल्यूशन वाला हो, इसीलिए इसका नाम है कोल्ड फायर। तो वो पूरा चूंकि निदेशालय ने किया, पूरा इसकी तरह अयोध्या में भी हुई थी, तो पूरा इन मानकों का ध्यान रखा गया है, जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो एनजीटी के मानक का ध्यान रखते कार्रवाई की गई है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर